तो सारी दुनिया में जो है एनिमल की रिसर्च का भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है अब समय का अभाव की वजह से बहुत ज़्यादा मैं बताने की पोजिशन में नहीं हूँ तो ये जो है सारी दुनिया में अगर देखें तो लगभग ट्वेल्व तो थर्टीन फोर्टीन मिलियन जो है एनिमल सेक्रीफाइस करे जाते हैं सबसे ज्यादा चूहों की सहमत आती है बेचारे चूहे और चूहों के बाद चूहे और माइस तीन ही पर्पज से करते हैं किसी को व्यवसाय करना है चूहे बेचते हैं माइस बेचते हैं तो एक ब्रीडिंग कराना ठीक डिफेंस रिसर्च में भी इनका यूज होता है और एजुकेशन के लिए जिसमें कि हम लोग कर रहे हैं ठीक है कहाँ करते हैं हम लोग जो है अपने यूनिवर्सिटीज में हैं रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में इन पे ट्रायल करते हैं ये सब चीजों की हिस्ट्री है इसको छोड़ देते हैं तो जितने भी जो एनिमल एक, एक्सपेरिमेंट हैं ये दया भावना से कंसीडर होते हैं ये जो है सोशल जो हमारी वेलबींग well है और एनिमल के लिए मर्सी की भावना रखते हुए हम जो है तीन कंसेप्ट हैं तीन आर हैं रुपीज नहीं है ये आर हैं आर एस है तो रिप्लेसमेंट रिडक्शन और रिफाइनमेंट तो हम हर जगह जब एथिकल अप्रूवल के लिए जाते हैं अपना प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं तो एक्सपर्ट जो है इन फैक्टर पे सोचते हैं कि कैसे जो है आपके ट्रायल के बिना काम चल जाए कैसे जो है हम जो एनिमल संख्या आपने पचास बताई तो अगर आपने एनिमल अप्रूवल लेना है तो अगर आपको पाँच चाहिए तो पचास का प्रपोजल भेजना बंदूक चाहिए तो तोप मांगना ठीक है तो ये बेसिक कंसेप्ट है पहला अप्रूवल का क्योंकि वो रिडक्ट कर करना ही करना है उनका काम ही है वो पूछेंगे कैसे लग, ले रहे हो अच्छा छत्तीस एनिमल लेने कितने ग्रुप बनाओगे छह बनाओगे अच्छा छत्तीस क्यों लेने हम तो अठारह दे रहे हैं आप उनको जो है दो महीने बाद यूज करो फिर से क्योंकि एक टॉक्सीडी दी इसके बाद जो बच गए बच गई को आगे फिर आप रिहेबिलेट करो फिर आगे यूज करो है ना तो अभी चौथा टर्म एक आ गया रिहेबिलेशन रिडक्शन करना रिफाइनमेंट करना रिफाइनमेंट में ये होता है कि दर्द के तरीके मतलब एनिमल को ऐसी भावना से ट्रीट करना कि जहां उनका नुकसान कम से कम हो जहाँ पीड़ा कम से कम हो जहाँ उन्हें तकलीफ कम से कम हो व्यास जी महाराज ने यही कहा अष्टादशा प्राणेश्वयम परोपकाराए पुणा पापाय पर पीड़नम सारा वेद और वेदांत लिखने के बाद बस दो ही बातें उन्होंने कंक्लूड करी कि वेदांत अर्थात वेदों का सार क्या है तो उन्होंने कहा किसी को पीड़ा ना पहुंचाना ये क्या है पुण्य है और किसी को पीड़ा पहुंचाना ये क्या है ये पाप है तो हमने पाप से बचना है बस एक ही चीज़ मोटी मोटी दिमाग में रखनी है और यही चीज़ दिमाग में रखी जाती है तो आप ऐसी कोई भी चीज़ अगर पुटअप करोगे तो वो हंड्रेड वन परसेंट आपकी रिजेक्ट होगी जिसमें पीड़ा ज़्यादा हो अब पता लगा चार मॉडल हैं जैसे एक में दर्द कम होता है तो आप ऐसे मॉडल लेके जाओगे और आपने अच्छे से रिव्यू नहीं करोगे तो आपका प्रोजेक्ट वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा फिर साल में एक दो मीटिंग होती है ए की तो फिर आपका मतलब प्रोजेक्ट अगले साल के लिए गया तो यही तीन टर्म है जिसको मैंने बता दिया रिहेबलेशन एक नया टर्म है तो किसी भी रिसर्च के लिए आपको इंस्टीट्यूशन इथिकल कमेटी में जाना पड़ता है और ये जो है भारत सरकार की गाइडलाइन से चलती है और यूनिवर्सिटी के जो डीन होते हैं और यूनिवर्सिटी के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं और यूनिवर्सिटी के लिए जो इसके प्रेसिडेंट होते हैं मेंबर सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी का ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है पर्टिकुलर फार्मेकोलॉजी डिपार्टमेंट का ठीक इसके जो है सब पर्पज यही है कि जितने इंटरनेशनल नॉर्म है उनको फॉलो करना जो एनिमल है उनको किसी भी पीड़ा से बचाना उनके नंबर को कम करना उनके प्रोजेक्ट को मॉनिटर करना और जितने भी एनिमल ट्रायल है एनिमल ट्रायल को हम जो है अप्लाई करते समय अप्लाई करते हैं फार्म ए, ए में एनेक्जर ए में एनेक्जर बी में हम अपनी सारी प्रोटोकॉल उसमें क्या मॉडल है क्या चीज है क्या तरीका है कैसे रखेंगे कैसे उनको रेगुलेट करेंगे क्या क्या डेढ़ साइकिल होगी क्या नाइट साइकिल होगी फॉर्म सी में जो है हम उनका जब ब्रीडर जो होते हैं उनके लिए होता है कैसे उनको हम पालते हैं पालने का और फॉर्म डी में हम उनके जो है कोई डेथ का कोई जो है मॉर्बिट्री का कोई उनका जो भी नुकसान होता है नुकसान का अकाउंट होता है तो वो सब जो है रिसर्च को सबमिट करना पड़ता है जब आप मेंबर सबमिट कमेटी को मेंबर को मेंबर सेक्रेटरी सबमिट कर देते हैं तब आपको एथिकल का सर्टिफिकेट मिलता है तो एथिकल कमेटी जो है मोटा मोटा क्या है कि एनिमल को जस्ट मॉनिटर करने के लिए अपनी रिसर्च को जस्टिफाई करने के लिए इसके पास जाते हैं और जो इसका फंक्शन होता है प्रोवाइड इंडिपेंडेंट कम्पिटेंट टाइमली रिव्यू जो आप एनिमल रिसर्च कर रहे हैं अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में अगर करोगे तो उनकी बहुत कंपिटेंट कमेटी होती है बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं तो आपके काम को चेक करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन से ही आपकी रिसर्च का तय हो जाता है क्या स्टैंडर्ड इसी प्रकार जो है इसका सेकंड फंक्शन है जितने भी जो प्रपोज एनिमल हैं उनके मेंटेनेंस की क्वालिटी कैसी है उनका वेलफेयर कैसा है ठीक है थर्ड लेवल पे हम इसको चेक करते हैं कि फर्दर अगर कोई अन इफेक्ट आ रहा है तो जो सेंट्रल जो कमेटी होती है सी पी एस ई ए जो एनिमल प्रोटेक्शन वेलफेयर के लिए होती है भारत सरकार की मॉनिटरिंग संस्था तो इसके माध्यम से हम अप्रूवल लेते हैं और उसको हम अपनी सिक्स मंथली रिपोर्ट भी भेजते हैं और एनिमल जो है कितने डाई हुए कितने मरे हर प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मेंबर सेक्रेटरी को भेजना होती है और ये भारत सरकार के कानून के तहत एक उसमें भी आ जाती है आपको सोकोज भी मिल सकता है कि अगर आपने अच्छा काम नहीं किया ठीक है तो जितने भी जो एनिमल इथिकल कमेटी है ये रैंडमली विजिट भी करती है जैसे आपका वो कमेटी है चार आई वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो वहाँ रैंडमली जाके देखेगी कि एनिमल अच्छे से रखे जा रहे हैं कि नहीं रखे जा रहे हैं प्रॉपर कोई इनएप्यूला तो नहीं दी जा रही कई बार अप्रूवल लेकिन के बाद भी कोई ट्रायल करते ठीक है तो ये एक्सपेरिमेंट को रेगुलेट भी करते हैं और हमारे एक्सपेरिमेंट को जो जर्नी वगैरह इंजर्ड होते हैं एनिमल उनकी भी रक्षा के लिए अपनी स्की में भेजते हैं और ये वही तीन सिद्धांत पे रिड्यूस रिफाइन और रिप्लेसमेंट पे काम करता है और जितने भी बड़े एनिमल हैं उनको अवॉइड करने के लिए इस फॉलो पे करता है कि कोशिश करी जाए छोटे से छोटा एनिमल प्रयोग हो और कम से कम संख्या में कंपोजिशन में यही है कि जो भारत सरकार के रूल हैं उसके हिसाब से इसको आप नोट कर लीजिए इसमें एक पर्सन होता है एक यूनिवर्सिटी का डीन होगा या संस्था का कोई जो है नॉन क्लिनिकल साइंटिस्ट होते हैं फैकल्टी मेंबर के रूप में एक वेटरिनियन वेटनरी डॉक्टर होता है एक एनिमल हाउस का इंचार्ज होता है साइंटिस्ट फ्रॉम दी आउटसाइड दी इंस्टीट्यूट नॉन साइंटिफिक सोशल पर्सन किसी एनजीओ से जो सोशल कोच के लिए काम कर रहा हो एक रिप्रेजेंटेटिव भारत सरकार से और एक साइंटिस्ट को ऑप्टेट करते हैं जो रेडियो एक्टिव चीजों को जानता है? और मेंबर सेक्रेटरी संस्था का संस्था व्यक्ति होता है एप्लीकेशन के ये प्रोसीजर है मैंने आपको बता दिया चार फॉर्म याद रखिए। ए माने एप्लीकेशन बी माने अपने सबमिशन ऑफ डिटेल प्रोजेक्ट सी माने उसका जो है कैसे रख रखाव करना है एनिमल का और कैसे ट्रांसपोर्टेशन करना है और डी माने कोई उसमें कोई अंटोबार्ड इफेक्ट हुए हैं तो उनकी रिपोर्टिंग तो ये बहुत सारी चीज़ें क्या क्या रिव्यू करते हैं आपको पीपीटी मिल जाएगा तो उसको पढ़ लेना अच्छे से मोटा मोटा इतना ही था लास्ट में बस सभी से ये अपील है कि हम ये ना सोचेंगे यार ये थोड़ा अच्छा ट्रायल करते हैं पता चल जाए तो कोशिश करो कि मतलब ट्रायल बिल्कुल जेन्यून हो जो चीज जितनी चाहिए उतनी मांगे और जो है हम अपने प्रोसीजर को रिप्रोड्यूसिबल प्रोसीजर करें जो सब जगह यूज हो जाए कहीं भी जो उसको चेक हो पाए जितने भी हार्म है उसको कम से कम लिया जाए और एनिमल को कहीं ना कहीं जो है प्रोटेक्ट करा जाए ठीक कम से कम करें क्योंकि जैसे हम में जाने वैसे उनमें जाने कभी तो बहुत सारे कंटेंट हैं एक अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है आयोजॉन इसमें हालांकि ऑफिशियल हमारी यूनिवर्सिटी के ही दो चार वीडियो पड़े होते हैं वो मैं सबको वन टू ही डालता हूँ जो ग्रुप में तो आप इसको नोट कर लें और सब लोग सब्सक्राइब कर लेना व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप लोग मैसेज डाल देना आपको हम ऐड कर देंगे और रथशास्त्रियों का एक अलग ग्रुप है उसमें आप जो है सारे बिल्कुल जेन्यून ऑथेंटिक चीजों को ले पाएंगे ठीक है मोबाइल नंबर है नाइन फाइव थ्री सिक्स थ्री फोर फाइव थ्री टू फाइव सो पब्लिक में मेरे जो है दूरदर्शन पे इंडिया टीवी डी टीवी कई सारे न्यूज चैनल पे काफ़ी सारे मेरे इंटरव्यू रहते हैं लेकिन वो रथशास्त्र के नहीं होते बेसिक आयुर्वेदिक के बेसिक होते हैं आयुर्वेदिक चिकित्सा के तो रथ शास्त्र के कोई बेसिक चीज़ आपको चाहिए हो क्योंकि वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है तो आप मैसेज करेंगे तो आपको जो भी चीज़ चाहिए होगी देंगे आपके हम मतलब जो बच्चों के लिए बोल रहा हूँ सीनियर के लिए तो हम अभी बहुत छोटे हैं इस मामले में तो आपको जो भी चाहिए होगा तो आप भेजेंगे लेकिन देर सवेरे विद इन वीक आपको वो चीज़ मिल जाएगी ठीक है एक नेक्स्ट पीपी दी लग एक है एक हो रहा है पांच मिनट और ये ये मेरी बुक की फोटो है इसमें ए, किन कंडीशन में हम ट्रायल करते हैं किसमें नहीं करते हैं वो लिखा हुआ है अगर हमारे इंडिकेशन रूल एक तो के हिसाब से थ्री ए माने क्लासिकल ड्रग तो उसमें अगर जो है इंडिकेशन इंडि, टेक्स टेक्चुअल रेफरेंस में है और इंडीडियन टेक्सुअल रेफरेंस में है तो सेफ्टी स्टडी की जरूरत नहीं है कोई मांग रहा तो आप उसे बता दें कि इसकी जरूरत नहीं है भारत सरकार का कानून के हिसाब से ही है ये पूरा लीगल फ्रेमवर्क में ही बात कर रहा हूं और अगर जो है किसी ने अगर कुछ इंडिकेशन नया दे दिया जैसे हल्दी जो है सोत खत्म करती है हल्दी जो है स्किन एलर्जी खत्म करती है हल्दी स्किन के लिए वर्ण होती है अब हम कहें हल्दी से जो है हार्ट श्रिंक होने लगता है हार्ट जो है बीपी बढ़ जाता है तो आप नई चीज आप बता रहे हैं ना तो नई चीज के लिए आपको जरूरत है क्लिनिकल ट्रायल की लेकिन टॉक्सिटी की वहां भी जरूरत नहीं क्योंकि जो वेल अप्रूव्ड ड्रग हैं जो टाइम टेस्टेड चीजें हैं उनके लिए टॉक्सिटी की जरूरत नहीं है आप कोई रूट चेंज कर रहे हो कोई आप जो है अलग तरीके से कर रहे हो तब उस समय जो है पैनल केस टू केस बेसिस पे उनकी कॉम्प्लिकेशन को चेक करते हुए डिसीजन लेता है ये एक्सट्रैक्ट के लिए है सारा सिस्टम है आपको सब शेयर कर दूंगा तो जितने भी बायोमेडिकल उसके लिए रिसर्च के लिए हमें इथिकल कमेटी की जरूरत पड़ती है अप्रूवल की और अगर हम हिस्ट्री की बात करें बस पांच मिनट लूंगा आप सभी का कि नून ट्रायल जब द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ उसके बाद जब जर्मन में जो लोगों ने चेक करा यार यहाँ तो सारी दवाई बिल्कुल ऐसी ही बन रही है अंधाधुंध सारे ट्रायल हो रहे हैं लोग सेक्रीफाइस हो रहे हैं मरीजों पे दुष्प्रभाव आ रहे हैं तो जब ऑब्जर्वेशन हुआ तो पाया गया कि सारे के सारे जो है उस पीरियड में मरीजों को पता ही नहीं उनके साथ ट्रायल हो गया खेल हो गया उनके साथ तो, तो फिर जो है उधर के सोशल समाज एक्टिव हुए और एक कोड जनरेट करा उस कोड को कहा गया न्यून वर्ग कोई नूरम वर्ग बोलता है न्यून वर्ग ट्रायल और इस ट्रायल इस सर्वे के आधार पर एक कोड जनरेट हुआ और इसके बाद जो है 1947 में जो कोड का एक स्थापना हुई एक कोड माने संहिता बोलते हैं कोडन एंड कंडक्ट कहते हैं ना संहिता मतलब एक आचार सेला एक एक प्रोटोकॉल तो इसके बाद जो है 1956 में 48 में यूनिवर्सल ह्यूमन राइट कमीशन की यूनाइटेड नेशन ने स्वीकार किया एडॉप्ट किया कि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए किसी के जो ह्यूमन राइट हैं बेसिक राइट्स हैं सांस लेने का जीने का अपनी बात करने का किसी का को कोई नुकसान ना करे हार ना करे तो क्लिनिकल ट्रायल में आपने दवाई दी और उसको नुकसान हो गया तो ह्यूमन राइट का वो हुआ ना तो ये इंटरनेशनल इशू है और भारत यूनाइटेड नेशन ने इसको 1948 में अपनी देश की आज़ादी के एक साल बाद एडोप्ट कर लिया मैंने आज़ादी इसलिए बोला आपके दिमाग में याद हो जाए ये टैगिंग होती दिमाग में खूंटा ठोकना होता ना तो उसको जो है ए, दिमाग में एक कील लगा देते हैं आज़ादी के बाद एक साल बाद ध्यान हो गया सभी बच्चों को तो इसके बाद जो है उन्नीस में भारत सरकार के मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भारतीय चिकित्सा जो परिषद है उन्होंने कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स बनाई इसी आधार पर जब सारी दुनिया में ये हलचल चली और 1964 में चौसठ की डिक्लेन फिनलैंड जो पहले नोकिया मोबाइल वहीं बनते थे ये कई जगह अच्छे प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आता तो वहाँ पे जो है फिनलैंड में अडॉप्ट किया और दुनिया की जो अठारहवीं जो चिकित्सा परिषद की जो संभाषा थी उसमें सारी जो वर्किंग एग्जीक्यूटिव कमेटी ने एक डिसीजन लिया और उन्नीस में एक वेलमोन की रिपोर्ट आई और यही सब एक्टिविटी चलती रही जागरूकता चलती रही तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन दॉर्मनाइजेशन हार्मोनाइजेशन आईसीपी जीसीपी गाइडलाइन जनरेट हुई और 2001 में जीसीपी पब्लिश हुई डीजीएस डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूरोपियन यूनियन डायरेक्टेड 2001 2004 2006 दो में बनी और आईसी ने 2006 में ये पब्लिश करा डाटा और जो वेलमोन्ट well है इन्होंने चार चीजें रखी जो आज भी एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है किसी भी इथिकल कंसिडरेशन के लिए ऑटोनमी ये बेसिक बातें हैं मतलब मानवीय बातें हैं समाजशास्त्र की बातें हैं कि हर आदमी को जियो और जीने दो तो। किसी को डिस्टर्ब ना करो किसी की इंटीग्रिटी को बना के रखो उसकी स्वायत्ता को जो जिसका अधिकार है उसको दो तो जो मरीज है मरीज की ऑटोनॉमी बनी रहे उसकी इंटीग्रिटी बनी रहे उससे अगर दवाई लेनी है तो पूछो इनफॉर्म कंसेंट उससे साइन कराओ और उसे बताओ कि इससे ये फायदा है ये नुकसान है तो ये बेनीफिशेंस बेनिफिशेंस मैंने क्या बताओ कि ये फायदा है तुम इससे सही हो सकते हो और साथ में नॉन मैन फिनेंस उसे नुकसान भी बताओ इससे हो सकता है तो मैं यार ये हो ये मैंने त्रिफला दिया ज्यादा हो जाए हो सकता है तो मैं लूज मोशन भी हो जाए। हो जाए सकता है आपको जो है डकार भी अच्छी आए आपको हो सकता है आपको टेस्ट अच्छा नहीं लगे उसे सब चीज बता दो फिर उसकी ऑटोनमी कि उसको लेना है तो लेगा नहीं लेना तो नहीं लेगा फोर्स नहीं करना इनफॉर्म कंसेंट लेनी साइन कराने और ऐसा नहीं हिंदी वाला है अंग्रेजी में आपने चेप दिया उसे ठीक जो जिसकी लोकल भाषा में बताना है जो समझने वाली कोई बच्चा है तो उसके पेरेंट्स से कंसेंट लेनी है। बस ये बेसिक ऑटोन और, और जस्टिस न्याय करना न्याय का एक तरजी तराजू ले लिया न्याय का देवता होता है ना सबूत और उस साक्ष के आधार पर डिसीजन ले लेता किसने पाप करा किसने पुण्य करा तो इसमें जो है उसके लाभ और हानि के आधार पर जिस तरफ का पड़ला भारू हो उसके हिसाब से उसे न्याय देना कि ये काम करना है कि नहीं करना और इसी पे सारी दुनिया जो है कर रही है है इस चीज को तो ये आईएसी के जो फंक्शनिंग इसमें टू कंडक्ट ओरिएंटेशन एंड एजुकेशन जितने भी मेंबर होते हैं उनको ओरिएंटेट करना और विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट को संचालन करना इथिकल कोड एंड कंडक्ट को जो है फॉलो कराना और रेगुलेटरी अथॉरिटी को रिपोर्ट करना टाइम टू टाइम रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है देश में कौन है है आई इट इज गवर्न को सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में है ये गाजियाबाद में तो आयुष मंत्रालय भी इसमें एक मतलब इसी बॉडी में हमारे लोग भी रहते हैं कोई भी डब्ल्यू एच ओ जी एम पी है कोई जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का कोई अप्रूवल है सी ओ पी पी है तो ये भारत सरकार के और डब्लू एच ओ के और इनके सबके एक्सपर्ट ज्वाइंटली उसको कंडक्ट करते हैं तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हमारे जितने भी आई सी मेंबर होते हैं वो सब तरह से उसकी सेफ्टी का ध्यान रखें ठीक है तो इसके बेसिक इस पे आ जाते हैं इसके कंपोजिशन में मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब चार चीजें हैं ध्यान रखने वाली यानी कि बहुआयामी चार अलग अलग क्षेत्रों से लोग लिए जाए बहुआयामी मल्टी सेक्टोरियल अलग अलग क्षेत्रों से ऐसे ही नहीं हमने कमेटी बनानी और जोधपुर के ही सारे लोग लग दिए एक कमेटी में ठीक अलग अलग कोई जो है साइंटिस्ट होगा कोई जो है सोशोलॉजिस्ट होगा कोई जो है लेमैन होगा ठीक अलग अलग तरीके ऐसा नहीं कि जो है वैज्ञानिक है तो आम आदमी को भी रखना उसको इसमें जो है पांच से सात मेंबर हो सकते हैं आइडियली लेकिन आप बारह से पंद्रह तक रख सकते हैं लेकिन आप कहने को तो पूरी बरात जोड़ लो लेकिन उससे कुछ होने वाला तो है नहीं जितने ज्यादा लोग होते हैं उतने डिसीजन में दिक्कत होती है तो आइडियली पांच से सात मेंबर रखते हैं कोरम के लिए सी को यह कहता है कि पांच मेंबर कम से कम होने चाहिए ठीक और उस कोरम में जो है अध्यक्ष और मेंबर सेक्रेटरी का होना अनिवार्य है और जो है डॉक्टर जरूर होने चाहिए उसमें ये कंपोजिशन है इसको सब लोग ध्यान में रख लें एक चेयरपर्सन इसकी विशेष बात यह है अध्यक्ष साहब जो है बाहर से आने चाहिए क्यों मतलब वो थोड़ा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना रहे अपना बच्चा सभी को प्यारा होता है अगर जैसे हम आ, हमारे आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का कोई भी बच्चा आ जाए वो थोड़ा गलत भी बोलेगा थोड़ा हम बाद में बोल देंगे लेकिन अब ये उसकी बात मान लेंगे पब्लिकली है बट नेचुरल ऐसा होता है अपनेपन के साथ अपने लोगों को डील करा ही जाता है तो अध्यक्ष इसीलिए बाहर रखते हैं कि कोई जो है आपके साथ कोई जो है सिंपैथी ना हो कोई उससे दुराभाव ना हो है आपके लिए न्यूट्रल रहे और दो मेंबर रखे एक से दो मेंबर मेडिकल फैकल्टी से अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद का साइंस है तो एक फार्मोकोलॉजिस्ट रख लेंगे और एक रथशास्त्र द्रपू का बंदा रख लेंगे दो बंदे हो गए ठीक दो क्लिनिकल डॉक्टर रख लेंगे एक लीगल एक्सपर्ट प्रेफली इट शुड बी रिटायर्ड जज जज इसलिए क्योंकि अब जज को तुम बुलाओगे वो आएगा ही नहीं मीटिंग में ही होगा ए तो रिटायर्ड इसलिए वैसे तो जज आ जाए जा जा और अच्छी बात है लेकिन किसी जज को आप कहोगे वो हमेशा जो है कोर्ट में वैसे ही जज नहीं है आजकल ए तो ये जो है हमारे लीगल एक्सपर्ट जितने भी हैं फिलोसफर हैं और मेंबर सेक्रेटरी हैं और मेन चीज़ फंक्शनिंग तो आपको पता ही है और सी को के ये लीगल प्रोविजन है इसके हिसाब से शेड्यूल बाई में जो हमारा रूल 122 है उसके हिसाब से इथिकल कमेटी गवर्न होती है आजकल और सी को इसको कंट्रोल करता है और रजिस्ट्रेशन तीन साल के लिए मिलता है फर्दर इसका रिन्यूअल होता है और रिपोर्ट जो भी अन टू आड रिपोर्ट होती है वो उसको देनी होती है और डी डायरेक्टर जनरल जो उसको जो है वो करता है और अभी भारत सरकार की जो लीगल प्रोविजन है ये शेड्यूल वाई में अभी आ गए हैं इसकी और एक सी डी को का एक सुगम ऐप है सुगम के माध्यम से कभी अगर आपने इंस्टीट्यूट में जैसे यूनिवर्सिटी में आप ले, आपके लेवल जरूरत नहीं लेकिन आप सब यूनिवर्सिटी में कोई अथॉरिटी में है तो आप जो है उसको अप्लाई करने के लिए उसके माध्यम से आप ऑनलाइन cdsco.online.gov.in cdsco.home पेज पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन की सारे फॉर्म फॉर्मेट और सब चीजें आपको मिल जाएंगी तो थैंक यू फॉर ऑल फॉर योर पेशेंस हेयरिंग अभी मेरी पोजीशन लगभग आप जैसे आ रहे हैं उसी पोजीशन में है ये हमारे गुरु प्रोफेसर प्रदीप प्रजापति जी का आशीर्वाद है कि आपने हमें एक वक्ता के रूप में बुलाया और हमारे पार्टिसिपेंट ने हमारी बात को बहुत ध्यान से सुना ये मैं समझता हूँ ऊपर वाले का बहुत बड़ा मेरे ऊपर आशीर्वाद है और ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखे और आपको खुशियाँ और आपको कॉन्फिडेंस हमेशा प्रदान करें इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद Thank you so much, sir, for such an eye opening and uh, wonderful lecture. You have strengthened our concepts and cleared our doubts. For the next lecture,